आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे, आई होप भगवान की कृपा से। तो सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है, सवा आठ टाइम हो रहा है, अभी मेरा काम निपटा नहीं है। मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, काम तो करती रहूँगी, तो बस और क्या, आगे की बात मैं आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, एंड बहुत मस्ती करने वाले हैं हम आज ब्लॉग में, ज़रूर बने रहना। देखो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह साग, मैंने चढ़ा दिया है, पानी बॉयल हो रहा है और बाबू बाहर है। अभी मेरे को पोछा लगाना है, पूरा घर झाड़ू लगा है, बस झाड़ू भी मेरे हस्बैंड ने लगा दिया है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, बाबू भी नहा धो के आ चुका है, ये रहा मेरा पुन्नी। और अब मैं जा रही हूँ, हाँ पुन्नी, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, तुम यहीं बैठो, मम्मा पूजा कर लेती हूँ, हाँ लियो बाद में, अब मैं पूजा कर लेती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी है थोड़ी बहुत पूजा की, फटाफट पूजा करते हैं। और यहाँ मेरा साग, और साग में कितना पानी होता है, मैं साग बनाती नहीं हूँ, इस साल तो पहली बार बना रही हूँ, मतलब बहुत कम बनाती हूँ, दो तीन साल में एक बार बनाती हूँ, बहुत पानी, इतनी देर से साग बनी रहे, पानी सूख ही नहीं। यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय और नमक पारे, टेस्टी टेस्टी है ना जी। गाइस तो हम लोग आ गए हैं छत पे धूप सेकने, चाय पानी पी के। देखिए मेरे बाबू कितना खुश है, अपना बोरिया बिस्तरा ले आया है, और मैं भी अब अपना काम करूँ। हाँ तो पर नहीं मिलेगा ना लाइट, चलो नीचे चले। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, बहुत थक गए हैं, अब चलते हैं नीचे। कुत्ते आजा बेटा आजा, जूते खोलोगे, देख हाथ में चोट लगा लिया, देखो कहाँ से चोट लगा लिया इसने, देखो खून निकल रहा है, अब डिटॉल लगा। गाइस हम लोग नीचे आ गए हैं, मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, और मेरे चैनल पे मेरा ब्लॉग आ चुका है तो प्लीज़ देख लेना, और शॉर्ट वीडियोस भी है काफ़ी सारी, तो देख लेना गाइस। हाँ चोट लगे बेटी को, मेरी पुन्नी को चोट लग गई। आज मैं बना रही हूँ साग और चावल, मुझे बहुत दिन से मन था, मैं साग लेके आई थी, साग मतलब अभी इनकम्प्लीट है, उसको थोड़ा कुछ करना है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी चावल मैंने चढ़ा दिया है, और बाबू को देखो ये पूरा घर फैला रखा है, तो मैं उससे घर से मिटवा रही हूँ, मैं भी समझ रही हूँ, साथ में उससे भी समेटवा देती हूँ। और फ़ोन थोड़ा, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है बिल्कुल, इसलिए शूट नहीं करी ज़्यादा, अभी चार्ज होने तो फिर कर। जी हाँ क्या क्या है यहाँ, क्या है? अच्छा रुक मैं निकालती हूँ, अच्छा निकाल रही हूँ, दिखा। हो देखो गाइस बिस्तर बिस्तर लगा दिए, अब सामान नहीं फैलेगा पूरा, इसने इतना घर गंदा कर रखा था, मैंने सारा फैला समेटा है। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का गर्म पानी लगा दिया, वो एक बजे आके नहाएंगे, सुबह टाइम नहीं होता नहाने का, तो सुबह नहा के वो नहीं जाते। यहाँ मेरा चावल बन गया, और ये देखिए मेरा साग, अभी इस पे हमें इसको मतलब अच्छे से बन तो गया है पानी सुखा के, उसके बाद हम इसको ना मतलब बनाने के बाद इसमें कुछ मिला के गूरते हैं अच्छे से, तो मैं आप लोगों को उस टाइम दिखा दूंगी कैसे है, मैं ऐसे बता नहीं पा रही। क्या बंदूक पता नहीं रखी थी बाहर, उसी में रख दिया होगा, तू नहीं रखा है, उसमें से निकलेगा नहीं बेटा। सो बस टाइम भी पौने एक हो रहा है, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे जब तक पानी गर्म हो जाएगा। बेटू दी एक बीज तो खराब करा है, अच्छा सर पकड़े हो गए जो बुढ़िया नाचती है, मेरे पुन्नी है तू तो। क्यों बेटी गेम खेलो, इसे देखो आंख खराब हो जाएगा, इतना फोन दिखता है, गंदा बच्चा। दो गेम खेला नहीं खेला, आ गया है नहीं बड़ा फोन कंपनी में चोर का है, मारूंगी नहीं खींच के क्यों चोर का नहीं लाया हूं। गाइस देखो यहां पे मैं प्याज और ये मिर्ची, मूली तो अलग से मेरे हस्बैंड का है, वो काट रही हूं, इसको हम साग में ऐसे ऐसे गुबरेंगे, जब गुरेंगे मेरे हस्बैंड गुरेंगे, उनको अच्छे से आता है बनाना गांव की तरह, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड गए नहाने, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, हस्बैंड आ गए नहा के, अब हम खाना खाएंगे, तब मेरे हस्बैंड जी से गुरेंगे, तो दिखाऊंगी। बस कर अभी खाने के लिए करना, बस करो ये सिंजो, भूखू लगा ना, आज क्या खाएगी बेटी? साग, नमक ठीक है और डलेगा थोड़ा, उसे क्यों? तो देखो गाइस ये मेरे हस्बैंड अभी इसमें तेल डाल रहे हैं, इसको
इसको घूरेंगे अच्छे से, बहुत टेस्टी लगता है साग बहुत। बहुत दिनों बाद खाऊंगी, बहुत दिन से मन था मेरा। निकाल लो, आप घूरो ना उसको, पर मैं निकाल घूरो। देखो इसको ऐसे घूर के बनाते, मैं अभी दिखाऊंगा। ये रहा साग बन गया, मेरे जानू खाएंगे अब। मेरे हस्बैंड चले गए। क्या हुआ, चोट लगा लिया ना इसे? नहीं, भागता रहता है। तो गाइस मेरे हस्बैंड चले गए, 1:30 बज गए। और मेरे को देखो, अभी मेरे को ये सारे बर्तन धोने हैं। मैं सोच रही सब करके आराम करूँगी, फिर एकदम थक जाती हूँ। और यहाँ कपड़े धो रही थी अपने हस्बैंड के, जो मेरे हस्बैंड अभी नहाए, तो सोच रही हूँ अभी धो देती हूँ। धूप भी है, सूख भी जाएंगे, कल क्या ही धोंगी, अभी धो देती हूँ। अब तू इधर ही खेल, बाबू इधर उधर नाच रहा है। तो फटाफट से काम निपटाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सब बने रहना ब्लॉग में, प्रियंका की दुनिया में। तो गाइस मैंने यहाँ पे कपड़े सुखा लिए, मैं आई थी कपड़े सुखाने, अब मैं नीचे चलती हूँ। गाइस यहाँ हम लोग सो के उठ गए, मैं बाबू सो के उठ गया। ये देखो क्या है बाबू कच्ची, कि हम बचपन में खाते थे, इसको हम बुड्ढी के बाल बोलते थे। बुड्ढी के बाल, आप लोग क्या बोलते थे पता नहीं, बट मैं तो हाँ, इसको हम बुड्ढी और बुढ़िया के बाल बहुत खाते थे हम। अब ये बाबू खाएगा, तो चलते हैं ऊपर अब। तो गाइस हम लोग ऊपर आ गए। ये देखो बाबू को दो दो बंदूक, पता नहीं कितनी बंदूक रखता है। ये बाबू कैंडी लेके आए, जो अभी खाएगा, है ना बेट, खाओगे ना? और बहुत अच्छा मौसम है बाहर का। देखो इधर उधर कपड़े सूख रहे हैं, मेरे भी काफ़ी कपड़े और दूसरे लोगों के भी हैं इसमें, सारे मेरे नहीं। ओ माय गॉड, इतने सारे तोते, वहाँ उस पेड़ पे बहुत सारे तोते बैठे हैं, पैरेट। वाओ, ये शिंजो खा रहा है अपनी कैंडी, कैसे लग रहा बेटू? वो टिट्टी खाओ खाओ खाओ। चाचू लाए? हाँ बाबू के चाचू ला के दिए हैं, हाथ नहीं लगा, ऐसा मेल्ट होगा, खाओ। गाइस तो हम लोग आ गए हैं नीचे, क्योंकि जल्दी आ गए घर में। देखो घर पूरा फैल रखा है, देखो बाबू ने कितना फैला रखा है। खाना भी बनाना है, तो मैं जल्दी आ गई। और फ़ोन ऊपर से चार्ज नहीं है, फ़ोन हमेशा चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि मैं शूट करती रहती हूँ। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बहुत सारी बनाई, और फिर ब्लॉग भी शूट करती हूँ, उसके पर कुछ देखती भी रहती हूँ, तो चार्ज बिल्कुल फ़ोन नहीं रहता है। मैं थोड़ा चार्ज कर लेती हूँ फ़ोन। मेरे बाबू बैठे। यहाँ मैंने रखा है बैंगन को भुनने, मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता, इसलिए मैं उसको अभी भुनने रखी हूँ, उसके बाद बनाऊंगी तो दिखा दूंगी। बाबू वहाँ से देख रहे हैं फोन चार्ज पे। ये रहा बाबू को मैंने थोड़ी पढ़ाई दे दी, थोड़ा पढ़ाई कर ले, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, और ये बहुत परेशान करता है। तो गाइस मैंने शाम की पूजा कर ली है, बाहर भी मैंने जला दिया है जोत, जैसे कि मैं रोज जलाती हूँ। एक गेट के आगे दिया जलाती हूँ, एक तुलसी में और एक मंदिर में। और बाबू यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा है, अभी प्रसाद खा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने भरते की तैयारी कर ली है, देखिए बैंगन कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फटाफट से, अब सब्जी बना लेती हूँ बैंगन की। ये मेरा बैंगन का भरता ऑलमोस्ट बन गया है, यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया। मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, तो मेरा डिनर होने वाला है बस रेडी। और बापू यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है कुछ कुछ उत्पट। और मैं ये रही, 6:30 बज गए, मैं खाना इसलिए जल्दी बना देती हूँ डिनर, क्योंकि आपको पता है मैं रोज़ जाती हूँ अपने हस्बैंड के पास, आज तो लेट भी हो गया है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ, फिर हम चलेंगे, तो आपको लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ब्लॉग में बने रहना। यहाँ मैंने अपना डिनर बिल्कुल बना के रेडी कर दिया, अब हम लोग जा रहे हैं शिंजो के पापा की कंपनी, मतलब कि मैं अपने हस्बैंड की कंपनी। देखो बाबू ने लाइट वाले शूज़ पहने हैं, लाइट जल रहा है इसमें, तो हम चलते हैं। हम लोग आ गए यहाँ पे, देखो बाबू बैठा हुआ है, अभी फोन देख रहा है। शिंजो फोन, बाबू के जूते। गाइस देखो बाबू और मैं यहाँ बैठे हैं, क्या है देखो, तो गाइस हम लोग घर पे आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आएंगे, इसलिए बाबू और मैं घर पे आ गए। सब 8 हो रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे थक गए हम, घर आ गए। घर आके थोड़ा बाबू भी रेस्ट कर लेगा, खाना वाना खा लेगा, और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। देखो इसको वहाँ से आते ही नौटंकी चालू हो गया इसका, खाना खा ले तू, चल खा लो, पापा लेट आएगा। क्या खाएगा? गोला खा, गोला गप्पा अपनी खाना, कल खाइयो, रात हो गया अब।
वही रात के 8:30 बज चुके हैं और इसको खाने हैं गोलगप्पे। बताओ मैं कहाँ लेने जाऊँ अभी गोलगप्पे। अब कल खाएंगे बेटा। मम्मी थक गए यार, अभी तो बाहर से आए, फिर जाए रोड पे जाना पड़ेगा, भीड़ होता है इतना अभी, नहीं तो चलती मैं। देखो इतनी रात को मुझे इसके लिए गोलगप्पे लेने जाना पड़ रहा है 8:30 बजे रात के, जा रही हूँ मैं। तो गाइस देखो हम लोग आ गए हैं गोलगप्पे लेके, इस हाथ में ये देखिए गोलगप्पे और साथ में मूंगफली भी ले आई हूँ। खुश बाबू खुश। रात को डर भी लग रहा था, रोड पे कोई नहीं था, मतलब लड़की में कोई नहीं था, सारे लड़के लड़के, बहुत डर लग रहा था, बट मैं आ गई। तो गाइस हम यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली खा रहे हैं, गोलगप्पे अभी नहीं खाए क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे थोड़ा सा, तो हम उनके साथ खाएंगे, हम वेट कर रहे हैं आने वाले हैं, है ना बाबू? पापा सब खाएंगे ना, ये मूंगफली खा रहे हैं, जब तक थोड़ा सा मूंगफली खा लेते हैं, मुंह चलाना है बस। तो गाइस मुझे बाल कैसे हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ मैं खाना गर्म कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले। देखो बाबू ने भी खाना नहीं खाया, मूंगफली खा लिया, 9:30 हो गए हैं। ये देखो मैंने खाने की तैयारी कर दी है, ये मेरा बीटू। मेरे बाल में लेटी हुई थी, ऐसे हो गए। यहाँ मैं सब्जी गर्म कर रही हूँ, मेरा बैंगन का भरता बहुत टेस्टी। तो हम लोग अब खाना खाएंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो हम यहाँ पे अभी डिनर करेंगे और मेरे गोलगप्पे भी बना रहे हैं दोनों। बच्चों को तो डर आ गई। देखो रात में ब्लॉग बना रहे, अब सो जा बेटा, कल बनाना। तो गाइस आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।